नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल मेटा नॉलेज क्लब में। दोस्तों, हमारे चैनल की सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन के बटन को दबा दें। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूं कैपिटलाइजेशन टॉपिक। कैपिटलाइजेशन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने पिछली बार कैपिटल एंड कैपिटलाइजेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इनको हम डिस्क्राइब करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कैपिटल। जैसा हमने पिछली बार पढ़ा था कि ये तीन तरह के होते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन और वाटर कैपिटलाइजेशन। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज ओवर कैपिटलाइजेशन। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब है हमारे पास कैपेसिटी से ज़्यादा कैपिटल मौजूद है। मतलब ओवर कैपिटलाइजेशन का एक दूसरा मतलब भी ये होता है, व्हेन अ बिजनेस इज अनेबल टू अर्न द फेयर रेट ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज। हमने पढ़ा था कैपिटलाइजेशन क्या होता है, हमारे जितने भी स्टॉक और बॉन्ड हैं वो सारे के सारे हमारे कैपिटलाइजेशन कहलाते हैं। अब जो भी हमारी एसेट है, जो भी हमारे स्टॉक है, जो भी हमारे बॉन्ड है, जो भी हमारी शेयर कैपिटल है, अगर वो शेयर कैपिटल से हम प्रॉपर तरीके से फेयर रेट ऑफ रिटर्न नहीं ले पा रहे हैं तो इसको हम ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है जो कि 50,000 रुपये कमा रही है। अब उसकी रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। हाउएवर, जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट जो उसने करी हुई है वो 60,000 करी हुई है। अब उसको ओवर कैपिटलाइजेशन हमें दिखाना है कि कितना है। अब इसको हमें कैसे दिखाना पड़ेगा, जो अर्न कर रही है और जिसके ऊपर अर्न कर रही है इनटू 100। सिंपल है, तो कितना अर्न कर रही है वो 8.33% कर रही है, जबकि प्रपोज्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या थी ऊपर अगर आप देखोगे तो वो 10% थी। नाउ जो 10% थी और हम कमा रहे हैं 8.33%, तो जो ये रिडक्शन है ये 10% से 8.33%, ये ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से है। हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है और हम कमा कम रहे हैं, इसी को भी हम ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन के कारण क्या क्या होते हैं। सिंपल कारण है ओवर इशू ऑफ कैपिटल बाय द कंपनी। हमने ओवर इशू कर दिए, फिर चाहे वो हमने शेयर्स इशू कर दिए हों, फिर चाहे हमने वो डिबेंचर्स कर दिए हों, लेकिन ओवर इशू कैपिटल का हुआ है। सेकंड है बोरोइंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ जो कैपिटलाइजेशन होता है उसका मतलब ही क्या होता है, हमारे पास शेयर कैपिटल कितनी है, हमारे पास बॉन्ड्स, हमारे पास डिबेंचर्स कितने हैं। तो अगर हम उन डिबेंचर्स को, उन शेयर कैपिटल को अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे हायर करते हैं या उसको हम लेते हैं तो भी हमारी जो कैपिटलाइजेशन है वो ओवर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम पे ज़्यादा कर रहे हैं और अर्न हम उतना कर नहीं पा रहे हैं, तो वो भी हमारी एक ओवर कैपिटलाइजेशन का कारण होता है। थर्ड वन इज प्रोवाइडिंग इनएडिक्वेट डेप्रिसिएशन टू द फिक्स्ड एसेट्स। मतलब हम जो डेप्रिसिएशन होना चाहिए हम अपनी फिक्स्ड एसेट पे वो डेप्रिसिएशन नहीं दे पा रहे हैं। अब इससे होगा क्या, डेप्रिसिएशन नहीं देंगे तो जो हम पे कर रहे हैं हमारे कैपिटलाइजेशन के अगेंस्ट में तो वो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर ज़्यादा के अगेंस्ट में हम कमा कम रहे हैं तो ऑब्वियसली अगेंस्ट फिर से वो ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। फोर्थ वन इज़ एक्सेसिव पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ गुडविल। अच्छा, कैपिटलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि हम कैपिटल एक्वायर कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं। अब अगर हम गुडविल के अगेंस्ट में हम एक्सेसिव पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी ओवर कैपिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कैपिटल के अगेंस्ट में हम जो भी, ये भी एक तरह की कैपिटल है, और इसके अगेंस्ट में हम जो भी जिस भी तरह की पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन के अंदर जाएगी। फिफ्थ वन इज हाई रेट ऑफ टैक्सेशन। गाइज, अब टैक्सेशन अगर चला गया है तो हमारे पास जो इनकम है वो कम बच जाएगी। अगर इनकम कम बची है अगेंस्ट प्रपोज्ड रेट ऑफ रिटर्न तो होगा क्या, जो परसेंटेज है वो रिड्यूस हो जाएगी या कम दिखेगी, और कम दिखने से होगा क्या, जिस कैपिटल के ऊपर हमें ज़्यादा अर्न करना था उस कैपिटल के ऊपर हम कम अर्न कर रहे हैं तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन कहलाएगी। एंड लास्ट वन इज अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट। ऑब्वियसली जैसे हम कैपिटलाइजेशन रेट को अगर अंडर एस्टिमेट कर दें, सपोज़ हम ये सोचें कि हमें देना 50,000 है लेकिन एक्चुअल में हम कैपिटलाइजेशन के नाम पे 70,000 कर रहे हैं, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा हमारी जेब से जा रहे हैं वो हमारी इनकम को या प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहे हैं। अब अगर वो रिड्यूस कर देंगे तो जो हमने टारगेट लिया था कि हमें सर्टेन सॉर्ट ऑफ अमाउंट कमाना है,
अब वो कम हो जाएगा 20,000 रुपये से, अब 20,000 रुपये से कम हो जाएगा तो जो कैपिटलाइजेशन है, जो हमारे पास कैपिटल है वो ओवर दिखने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी कैपिटल के ऊपर हमें ज़्यादा कमाना चाहिए था उसके ऊपर कम कमा रहे हैं, तो जो डिफरेंस है कैपिटल का, जो ज़्यादा कैपिटल लग रही है वो ओवर कैपिटलाइजेशन कहलाएगी। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं कैपिटलाइजेशन के? अब ये क्या करती है, ये जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ शेयर है उसको रिड्यूस कर देती है। इसको जैसा कि हम पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, अगर हम 50,000 रुपीज़ अगर हम अर्न कर रहे हैं और 10% के हिसाब से अर्न करना था, लेकिन अब हम अर्न कितने के हिसाब से कर रहे हैं, 8.33% के हिसाब से, तो जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी पर शेयर है, पर शेयर अर्निंग कैपेसिटी है, वो ऑब्वियसली कम हो गई है। तो इसका ये एक इफेक्ट आता है। दूसरा है डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग नेसेसरी कैपिटल। अब गाइज, जैसे कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, अब उनको कहा गया था कि आपको 10% के हिसाब से हम अर्न करेंगे प्रॉफिट्स को, लेकिन अब कंपनी अर्न नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा? अब जब नेक्स्ट टाइम पे हम कैपिटल लेने जाएंगे मार्केट में, तो लोगों को तो विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जितना कहा था उतना तो हम अर्न कर नहीं रहे हैं। अब अर्न ना करने की वजह से हमें कैपिटल मिलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। सो ये भी एक इसका इफेक्ट है। थर्ड है, इट लीड्स टू फॉल इन मार्केट प्राइसेस ऑफ द शेयर। गाइज, जब हम अर्न करेंगे ही नहीं जितना कि हमने अपने शेयर होल्डर्स को या कैपिटल होल्डर्स को हमने प्रॉमिस किया था, तो होगा क्या कि हमारी जो वैल्यू है, मार्केट शेयर है, वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जो पर प्राइस शेयर है वो रिड्यूस होने लग जाएगा, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है हमारे ऑपरेशंस के अंदर। जितना हम कहते हैं उससे कम हम अर्न करते हैं और कम ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फर्दर। तो ये इसका एक इफेक्ट है। नाउ नेक्स्ट है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑन रीऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली जब रीऑर्गेनाइजेशन की बारी आती है, जब हम स्केल अप करते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। लास्ट वन है, इट लीड्स अंडर और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जितना हमें 1,00,000 के ऊपर कमाना चाहिए था, लेकिन अब हम उतना कमा रहे हैं जितना कि 80,000 के ऊपर कमा सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो 20,000 के ऊपर हमें कमाना था वो अंडर यूटिलाइज या मिस यूटिलाइज है हमारे पास वो रिसोर्सेज 20,000 के इक्वेलेंट। तो मिस यूटिलाइजेशन या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी इसका एक इफेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम ओवर कैपिटलाइजेशन। अब ओवर कैपिटलाइजेशन की रिमेडीज़ का लेखा जोखा क्या होना चाहिए वो हम देखेंगे। रिमेडीज़ है, एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन रिड्यूस ओवर कैपिटलाइजेशन। ये कह रहे हैं अगर मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो ओवर कैपिटलाइजेशन रिड्यूस हो सकता है। हम एक्सेसिव खर्चे ना करें, खर्चों को कंट्रोल करके चलें, इनकम के सोर्सेज को जनरेट करने के ऊपर ध्यान दें, एफिशिएंसी इंक्रीज करें, ये सब मैनेजमेंट के अंदर आता है, तो ओवर कैपिटलाइजेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो हमने हाई रेट ऑफ डिविडेंड पे कर रहे हैं, फिर चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर कर रहे हो या फिर हम इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे हैं, उनको अगर हम रिडीम कर देंगे तो भी हम अपनी जो हाई कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देंगे, जिससे कि ओवर कैपिटलाइजेशन रिड्यूस हो जाएगा। रीऑर्गेनाइज करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को, मतलब जो जितनी परसेंटेज में हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, बॉन्ड है, डिबेंचर्स हैं, उन सबको हम रीअरेंज करेंगे इस तरह से कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाए और ओवर कैपिटलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। लास्ट है, रिडक्शन ऑफ डेब्ट कैपिटल। अब जितने डिबेंचर होंगे, जितने कम होंगे या जितने लोन कम होंगे, उतना ही क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अब कॉस्ट कम होने से क्या होगा, जो अनयूटिलाइज्ड या मिसयूटिलाइज्ड हमारी कैपिटल है वो अब मिसयूटिलाइज नहीं लगेगी, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज लगेगी, और हमारा जो डेब्ट के अगेंस्ट में कॉस्ट जा रही थी वो कम हो जाएगी। अब कम होने से क्या होगा, ओवर कैपिटलाइजेशन हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये था हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे अंडर कैपिटलाइजेशन के बारे में। गाइज, अंडर कैपिटलाइजेशन किसको कहते हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है ओवर कैपिटलाइजेशन के। ये जब आता है, जब कंपनी की जो एक्चुअल कैपिटलाइजेशन है वो लोअर देन द कैपिटलाइजेशन एज वारंटेड बाय द अर्निंग कैपेसिटी हो। अंडर कैपिटलाइजेशन इज नॉट द सो कॉल्ड इनएडुकेट कैपिटल। मतलब ऐसा नहीं है कि अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब इनएडुकेट कैपिटल है हमारे पास, बल्कि हमने सोचा था कि हम कमाएंगे कम लेकिन हम कमा ज़्यादा रहे हैं। तो अ कॉरपोरेशन में बी अंडर कैपिटलाइज वेन द रेट ऑफ प्रॉफिट इज एक्सेप्शनली हाई इन द सेम इंडस्ट्री। समझ गए? मतलब जब हम
उम्मीद तो करते हैं 50,000 कमाएंगे, लेकिन कमाने लग जाते हैं हम 80,000 सेम कैपिटल से, उसको हम अंडर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, इसके कारण क्या क्या है? पहला है अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। गाइज, ये तो ऑब्वियस है, हमने जब अंडर एस्टिमेशन कर देंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट का कि हमें जो कमाना है वो हमारी इतनी कैपिटल से सफिशिएंट रहेगा, तो क्या होगा, क्या कि अंडर कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जहां हमें 50,000 इक्विटी की और डिबेंचर्स की ज़रूरत थी, वहां हम कहते हैं कि हम 30,000 ही रखेंगे, और हमें जहां 10,000 कमाने थे वहां हम 5,000 कमाएंगे। लेकिन होगा क्या, 30,000 से भी अगर हम 10,000 कमा लेते हैं तो क्या होगा, हमने जो एस्टिमेट किया था अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट का, वो गलत कर दिया था या अंडर एस्टिमेट कर दी थी। नाउ सेकंड है अंडर एस्टिमेशन ऑफ इनिशियल एंड फ्यूचर अर्निंग। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जितनी हमारी कैपिटल है उससे हम सिर्फ एक्स अमाउंट कमा पाएंगे, लेकिन होता क्या है, वी एंड अप अर्निंग 2x अमाउंट। तो इससे होगा क्या कि जो हमारी इनिशियल या फ्यूचर अर्निंग जो हमने एस्टिमेट करी थी वो हमने गलत कर दी थी या अंडर एस्टिमेट कर दी थी। इसका अगला कारण है मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी। ऑब्वियसली जब हम अपने एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की रखेंगे तो होगा क्या, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी, उससे होगा क्या, हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे, और जितनी कैपिटल पे हमें एक्स अमाउंट कमाना था अब वो उतनी कैपिटल पे हम 1.5x या 2x अमाउंट कमाएंगे। नेक्स्ट इसका कारण है कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। मतलब हम प्रॉफिट जो हमारे पास आए हैं अगर उसको हम बांटेंगे ही नहीं तो हमारा जो पर शेयर प्रॉफिट है वो इंक्रीज दिखेगा और जो कैपिटलाइजेशन है वो अंडर कैपिटलाइजेशन दिखेगी। क्यों? क्योंकि हम कम कैपिटल से ज़्यादा कमाते हुए दिखेंगे, तो इसको हम अंडर कैपिटलाइजेशन ही तो कहते हैं। लास्ट है डिज़ायर ऑफ कंट्रोल एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हमने पीछे भी देखा था, अगर हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें इक्विटी का शेयर बढ़ाना होगा, डिबेंचर का कम करना होगा। तो अगर हम ये करने लग जाते हैं तो होगा क्या, जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन है वो कम हो जाएगी, और कम होने से हमारी अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति आ जाएगी। अब देखते हैं कि इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। गाइज, अंडर कैपिटलाइजेशन में लीड टू मैनिपुलेटिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने लग जाएंगे कि हम कमाना तो 50 चाहते थे लेकिन हमारी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा रही कि हमने 100 कमा लिया, तो उससे क्या होगा, हम ओवर एग्जाम्पलीफाई कर देंगे अपने वैल्यू ऑफ शेयर्स को, जो कि गलत होता है, मैनिपुलेशन कहलाता है। इट इंक्रीजेज द मार्केटेबिलिटी ऑफ द शेयर। अब होगा क्या, जब कंपनी इतना ज़्यादा कमाते हुए दिखेगी तो हर एक पर्सन चाहेगा कि हम इसके शेयर खरीदें और हम इसके ऊपर राइड करें ताकि हमें बेनिफिट हो सके, तो मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड है, इट में लीड टू मोर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड हायर टैक्सेशन। अब इससे होगा क्या, जब देखेगी गवर्नमेंट ये इतना कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमसे टैक्सेशन ज़्यादा वसूलेंगे, और टैक्स ज़्यादा वसूलेंगे तो फिर हमारी कैपिटलाइजेशन के ऊपर इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, कंज्यूमर फील दैट दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द कंपनी। अब होगा क्या, कंज्यूमर भी ये सोचने लग जाएंगे कि यार ये 50 रुपये तो कमाना चाहते थे लेकिन इन्होंने कमा लिए 100 रुपये, इसका मतलब जो 50 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा कमाए हैं वो हमारी जेब से ही गए हैं, और कंज्यूमर सोचेंगे कि हमें इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया है। लास्ट है, इट लीड्स टू हाई कॉम्पिटिशन। कंपनियाँ देखेंगी कि यार इस वाले बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा कमाई है, 50 रुपये हम टारगेट करते हैं और 100 रुपये की कमाई होती है, तो इसके अंदर होगा क्या कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके रिमेडीज क्या है, मतलब इनके तरीके क्या हैं इसको रोकने के। अंडर कैपिटलाइजेशन कैन बी कंपनसेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। अब होगा कि अंडर कैपिटलाइजेशन को हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं, फ्रेश इशू ऑफ शेयर कर दें हम, इससे अंडर कैपिटलाइजेशन कंपनसेट हो जाएगी और वो कैपिटलाइजेशन बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट है, इंक्रीजिंग द पार वैल्यू ऑफ शेयर में हेल्प टू रिड्यूस अंडर कैपिटलाइजेशन। अब पार वैल्यू जो शेयर की है अगर उसको हम इंक्रीज कर देंगे तो होगा क्या, जो हमारी कैपिटलाइजेशन है वो थोड़ी सी ओवर हो जाएगी। अब ओवर कैपिटलाइजेशन होने से होगा क्या कि हमारी जो अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति है वो पार वैल्यू पे आ जाएगी, वो कैपिटलाइजेशन सही हो जाएगा। थर्ड है, अंडर कैपिटलाइजेशन में भी करेक्टेड बाय द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर भी अगर इशू कर दें तो होगा क्या कि एग्जिस्टिंग जो कैपिटल है वो तो वैसी रही और हमने एक्स्ट्रा कैपिटल ओवर कर ली है विद एक्स्ट्रा कॉस्ट, और वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में कस्टमर्स को दी है, शेयर होल्डर्स को दी है, तो होगा क्या, उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी और कैपिटल अंडर कैपिटलाइजेशन जो थी अब वो सही हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। लास्ट है, रिड्यूसिंग द डिविडेंड पर शेयर। अब डिविडेंड पर शेयर जो हमारा है
उसको हम अगर रिड्यूस कर देते हैं तो भी हमारी जो अंडर कैपिटलाइजेशन है वो सही हो जाएगी। तो ये सब थे इसके रिमेडीज। अब पढ़ते हैं लास्ट और थर्ड टाइप ऑफ कैपिटलाइजेशन जो है वाटर कैपिटलाइजेशन। अब वाटर कैपिटलाइजेशन कहता क्या है, इफ़ द स्टॉक और कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नॉट मेंशन्ड बाय द एसेट ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू इट इज़ कॉल्ड वाटर्ड स्टॉक। मतलब जितना कंपनी का मेंशन्ड एसेट है उसके इक्विवेलेंट वैल्यू ना हो कंपनी की तो क्या होता है, उसको हम वाटर्ड स्टॉक कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो वाटर कैपिटल का मतलब ये होता है जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट है कंपनी के पास में वो लेस देन बुक वैल्यू है। मतलब हम बुक में दिखा रहे हैं 100 रुपये लेकिन एक्चुअल में जब बेचने जा रहे हैं तो सिर्फ 40 रुपये ही मिल रही है, मतलब बाकी सारा बह गया 60 रुपये। इसी को हम वाटर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। हॉगलैंड ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है, हॉगलैंड कहते हैं अ स्टॉक इज सेट टू बी वाटर व्हेन इट्स ट्रू वैल्यू इज लेस देन इट्स बुक वैल्यू। मतलब ट्रू वैल्यू इज लेस जो कि 40 रुपये है देन बुक वैल्यू जो कि 100 रुपये है। अगर बुक वैल्यू से ट्रू वैल्यू कम हुई तो उसको हम उस स्टॉक को वाटर्ड कैपिटलाइजेशन कहते हैं। इसके कारण क्या क्या होते हैं, जनरली वाटर कैपिटलाइजेशन अराइज होता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी शुरू शुरू में होती है मतलब उसकी बुक्स ज़्यादा दिखा रही होती हैं, एक्चुअल में उसकी वर्थ जो मार्केट लगाता है वो काफ़ी कम लगाता है। और इस इट ऑल्सो अराइज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस, मतलब किसी और टाइम पे भी ये अराइज हो सकती है। अब इसके मेन कारण क्या है, एक्वायरिंग द एसेट ऑफ द कंपनी एट हाई प्राइसेस। अब एसेट जो भी हैं अगर हमको हम हाई प्राइसेस पे एक्वायर कर लेंगे तो भाई मार्केट वैल्यू तो जो है वही रहेगी लेकिन हमने प्राइस ज़्यादा रख दी और हमारी बुक में वही प्राइस चढ़ेंगे जिस पे हमने एक्वायर किया है, तो हम उसको एक्सेसिव प्राइस को जब बुक में दिखाएंगे तो ऑब्वियसली जो उसकी मार्केट वैल्यू हो तो कम है, ये भी एक कारण है। अडॉप्टिंग इन इफेक्टिव डेप्रिसिएशन पॉलिसी, अब डेप्रिसिएशन उसके ऊपर हम कम लगा रहे हैं और कम लगाने से क्या होगा, वैल्यू पूरी हमारी दिख रही है लेकिन एक्चुअल में मार्केट के अंदर डेप्रिसिएशन ज़्यादा लग रहा है उसका, या वो डेप्रिशिएट ज़्यादा हो गई है उसकी वैल्यू कम लग रही है, तो होगा क्या, जो डिफरेंस है वो दिखेगा बुक वैल्यू के अंदर और एक्चुअल वैल्यू के अंदर, और यही वाटर कैपिटलाइजेशन है। लास्ट है वर्थलेस इंटेंजिबल एसेट्स आर परचेज्ड एट हायर प्राइसेस। कुछ इंटेंजिबल एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी गुडविल है, हमने गुडविल परचेज कर ली लेकिन एक्चुअल में वो गुडविल मार्केट के अंदर तो वैल्यू ही नहीं रखती उस नाम की, तो क्या है कि हमने अननेसेसरी पैसा पे कर दिया है हायर वैल्यू का, बुक में तो वो दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, इसी को हम वाटर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो से इतना ही, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।